श्रोताओं, आज का कमेंट लिया है हमने श्रीमान मनोज कुमार कच्छ जी का। इनका कमेंट है, टूड़ी तीन बनी कन्या के, मुखड़ा सात बिचारी के, एक एक मुख में नौ नौ जिभ्या, पुरुष नहीं बा नारी के। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, तभी आपको हमारा ज्ञानात्मक वीडियो प्राप्त हो सकता है। श्रोताओं, आज कई दिनों के बाद हम पुनः हमारे चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो हमें कुछ कार्य लग गया था, इसलिए हम 10-15 दिन से व्यस्त थे। अब श्रोताओं, हमारी व्यस्तता समाप्त हो चुकी है। अब हम पुनः आपकी पहेलियों का जवाब प्रस्तुत करेंगे। तो श्रोताओं, श्रीमान मनोज कुमार कच्छ की इस पहेली की तरफ आगे बढ़ते हैं। टूड़ी तीन बनी कन्या के, मुखड़ा सात बिचारी के। कोई ऐसी कन्या है जिसके तीन टूड़ी बनी हुई हैं। टूड़ी कहते हैं नाभि को, और उसके मुख सात हैं। एक एक मुख में नौ नौ जिभ्या, और उसके एक एक मुख में नौ नौ जीव हैं। पुरुष नहीं बा नारी की, और उस नारी के पुरुष नहीं है, अर्थात वो नारी कुंवारी ही है। तो श्रोताओं, ये तो है इसका शाब्दिक अर्थ। अब हम इसका वास्तविक अर्थ देखते हैं। तो श्रोताओं, इस पहेली का उत्तर आपने देखा हो तो तराजू है, जिसे ग्रामीण भाषा में ताखरी के नाम से भी जाना जाता है। तो तराजू या ताखरी का मतलब एक ही होता है। तो श्रोताओं, अब ये ताखरी कैसे है, हम इसका अर्थ जानेंगे। टूड़ी तीन बनी कन्या के, अर्थात कन्या के तीन टूड़िया बनी हुई हैं। अब यहाँ कन्या कौन हो गई, बोई तराजू या ताखरी। उसकी जो डांडी होती है तोलने की, उसमें तीन जगह छिद्र होता है, इसलिए टूड़ी तीन बनी कन्या के, मुखड़ा सात बिचारी के, अर्थात मुख सात हैं। अब श्रोताओं, मुख सात कैसे हो गए? यहाँ उन जो उसके अंदर जो छेद हैं, उनके अंदर जो लड़ियां डालते हैं, उन लड़ियों को मुख माना है, अर्थात जो तीनों छेद हैं उसमें एक लड़ी तो डाल करके ऊपर निकाली जाती है तोलने के लिए। तो एक मुख तो वो लड़ी को माना है। श्रोताओं, ऐसे ही जो साइडों के दो छिद्र होते हैं, उनमें तीन तीन लड़ियां डाली जाती हैं, तब जाके तराजू बनता है। तो उन तीन तीन लड़ियों को तीन तीन मुख माना है, अर्थात एक पल्लड़े को जोड़ने के लिए तीन लड़ियां होती हैं, तीन जेवरी होती हैं, तो वो तीन मुख हो गए, अर्थात तीन मुख तो एक पल्लड़े के, तीन मुख दूसरे पल्लड़े के, एक तोलने वाले का। तो इस प्रकार से मुखड़ा सात बिचारी की, अर्थात उसके साथ मुख हो गए। अब ये आगे कह रहे हैं, एक एक मुख में नौ नौ जिभ्या, पुरुष नहीं वा नारी के। तो श्रोताओं, ये तो सही है
कि ताख या तराजू का कोई पुरुष नहीं है, स्त्रीलिंग है, लेकिन एक एक मुख में नौ नौ जिभ्या। अब हमने तराजू की एक जेवरी को एक मुख माना था, अब एक मुख में नौ जीव कैसे हो सकती हैं? तो श्रोताओ, वो जेवरी जिसको हम तराजू के अंदर बांधते हैं वो तीन लड़ियों से बनती है। तो तीन लड़ियां एक की, और उन तीनों के अंदर तीन तीन लड़ियां और होती हैं। जब जाके जेवरी का एक भाग बनता है और उसके पश्चात उन तीनों से तीन तीन मिला करके तब जाके एक जेवरी बनती है। तो इस प्रकार से उसके अंदर एक जेवरी में तीन लड़ें होती हैं और तीन लड़ों में तीन तीन लड़ें और होती हैं। इस प्रकार से एक जेवरी में नौ लड़ें होती हैं। तो नौ लड़ होने के कारण ये एक मुख में नौ जिभ्या हो गई। तो ऐसे करके जो तीनों जेवरियां हैं उसमें एक एक में नौ नौ जीव होती हैं। और जो ऊपर वाला तोलने का होता है एक मुख, उसमें भी नौ जीव होती हैं। तो श्रोताओ, इस प्रकार से एक एक मुख में नौ नौ जिभ्या पुरुष नहीं वा नारी है। और तराजू के या ताकरी के कोई पुरुष नहीं होता, वह तो हर किसी के हाथों में जाती रहती है। उसका कार्य तोलने का होता है। तो इस प्रकार से श्रीमान मनोज कुमार जी, हम आपको बता दें कि आपकी पहेली का उत्तर ताकरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि नीचे दो पलड़े और लगे होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल लगे रहते हैं, लेकिन इनका कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो श्रोताओ, इस प्रकार से हमने श्रीमान मनोज कुमार कच्छ की इस पहेली का जवाब लगाने का पूरा प्रयत्न किया है कि टूड़ी तीन बनी कन्या के, अर्थात तराजू की नाड़ी में तीन छिद्र होते हैं। तो टूड़ी तीन बनी कन्या के, उसके पश्चात मुखड़ा सात बिचारी की, और उसमें तीन तीन लड़ें साइडों में निकली होती हैं पलड़ों के लिए, एक ऊपर होती है। तो मुखड़ा सात बिचारी के, सात जेवरियां निकली हुई होती हैं, एक एक मुख में नौ नौ जिभ्या। अब जो वो एक जेवरी निकली होती है उसमें छोटी छोटी नौ लड़ें होती हैं। पहले तो एक एक की तीन बनती हैं, फिर तीन तीन की मिला के एक बनती है। तो एक एक मुख में नौ नौ जिभ्या हो गई, जीव हो गई, पुरुष नहीं वा नारी के। और तराजू या ताकरी के कोई पुरुष नहीं होता है। श्रोता, इस प्रकार से इस पहेली का जवाब लग चुका है। अब हम आपसे लेते हैं विदा। बोलो जय श्री राम। आपको भी कोई पहेली पूछनी हो तो आप हमसे सुंदर सी पहेली पूछ सकते हैं। अब हम उन्हें जवाब देने के लिए उपस्थित हो गए हैं। बोलो जय श्री राम।